जून में जब बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई तो यही माना गया कि उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन ये झारखंड के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ही थे जिन्होंने सबसे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले में आधा दर्जन से ज्यादा जांच एजेंसियों से जांच कराने की मांग की थी। सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा शुरू से ही उठा रहे निशिकांत दुबे ने संसद में भी इस मामले को जोर शोर से उठाया। मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग्स के काले कारोबार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सुशांत सिंह की मौत के बाद मैं पहला शख्स था जिसने हकीकत सामने लाने के लिए आवाज उठाई थी। इसके बाद बीजेपी भी समर्थन में आई और नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ। बाबुल सुप्रियो, इन चारों के प्रति शुक्रगुजार हूँ कि आप और पूरी सरकार जीरो आवर के लिए सांसदों को कितना सीरियसली लेती है, ये दिखता है। सर, मैं आपके माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत, जो कि हमारे बिहार के थे और उनकी हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की, ये तो विवेचना का विषय है, वो केस चल रहा है सर। और 14 जून को जिस दिन उनकी हत्या हुई या आत्महत्या हुई, वो मैं पहला ऐसा सांसद था जिसने इस मुद्दे को उठाया और लगातार इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और उस सदन की रूपा गांगुली, ये सारे लोग जो है उसके बाद जो है आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी आई सर। और मैं नीतीश कुमार जी का शुक्रगुजार हूं कि फाइनली सीबीआई इंक्वायरी हो गई कोर्ट के आदेश पर। शून्यकाल में सुशांत सिंह केस का मुद्दा उठाने के साथ ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एनडीपीएस कानून को सख्ती से लागू करने की भी सरकार से मांग की। लेकिन इसमें जो बड़ा मुद्दा है सर, और खासकर अनुराग सिंह ठाकुर जी यहां मौजूद हैं, कि जो जांच चल रही है, मान लीजिए कि ड्रग्स की बात चल रही है सर, तो ड्रग्स फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, जो हाई सोसाइटी है, उसमें पूरे देश भर में जो है एक एक बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि एनडीपीएस कानून को जो है अपने को मजबूती से लागू करना चाहिए। लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी हो पाए और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों का, आतंकवादियों का जो पैसा फिल्म इंडस्ट्री में फंसा हुआ रहता है, वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से आए, क्योंकि एक डायरेक्टर जो है इसके लिए जेल भी जा चुके हैं सर। जितनी भी इंडस्ट्री है उन सबों में रेगुलेटर है। मैं आपके माध्यम से यह सरकार से मांग करना चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक रेगुलेटर हो। दूसरा, इस कोविड के कारण जितना आपने इतना पेन लिया सर, सारे सांसदों ने लिया, हम जितने कानून पास किए वो कोविड के लिए पास किए, और सरकार के पास पैसे की कमी है, देश के पास पैसे की कमी है, और टूरिज्म जो है वो ज़्यादा रोजगार देता है, और फिल्म इंडस्ट्री जब शूटिंग करने के लिए कहीं जाती है सर, तो वो एक लोकेशन जो है टूरिज्म के लिए एक बड़ा बढ़ता है। तो मेरा दूसरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि फिल्म इंडस्ट्री को आगे आने वाले 3 साल के लिए विदेश में शूटिंग करने से मना किया जाए और हिंदुस्तान में ही दूसरे लोकेशन पर जो है उनको दिया जाए, जिससे कि टूरिज्म बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। धन्यवाद। सांसद निशिकांत दुबे ने इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मांग की थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारणों और उनके तह तक जाने के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए और एसआईटी बनाई जाए। उन्होंने मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आतंकवाद, नशाखोरी, माफिया, विदेश की ताकतों की जाँच मुंबई पुलिस नहीं कर सकती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मांग के कुछ ही दिन बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। फिलहाल इस मामले में सीबीआई तो जांच कर ही रही है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही है। इतना ही नहीं, मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान जैसी एक्ट्रेस भी जाँच के शिकंजे में आ गई है।